हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की ओर से नया इंपॉर्टेंट नोटिस अपडेट आया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं CHSL एग्जामिनेशन 2021 को लेकर के, जिसमें से डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स टू अपीयर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स जो है टाइपिंग टेस्ट में पास किए हैं CHSL 2019 वाले एग्जाम का, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पे इसके बारे में कोई जानकारी को मैं बताता हूँ। जो चैनल में नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे वीडियो के नोटिफिकेशन अपडेट भी और ऐसी अपडेट को जरूर से जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो देखते हैं मैं क्या क्या बताता हूँ आप लोगों को यहाँ पे। तो कमीशन हैज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑफ टायर टू ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जाम 2019 ऑन 30/9/2021, वेयर इन ए टोटल 28,508 कैंडिडेट्स वेर शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन टाइपिंग टेस्ट ओनली एज नो वैकेंसीज वेर अवेलेबल फॉर द पोस्ट ऑफ DEO। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो CHSL 2019 का है उसमें जो 30 सितंबर 2021 को टोटल कैंडिडेट्स 8,508 कैंडिडेट्स को जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था, और इसका जो रिजल्ट है यहाँ पे जारी कर दिया गया था, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है DEO के लिए कोई पोस्ट नहीं था, ये भी यहाँ बताया गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पे आगे क्या है, बेस्ड ऑन द कट ऑफ फिक्स्ड बाय द कमीशन इन स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट ए टोटल ऑफ 13,088 ओनली कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड टू अपीयर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। द डिटेल्स ऑफ कैटेगरी वाइज कट ऑफ फिक्स्ड इन परसेंटेज ऑफ एरर मिस्टेक्स अलाउड इन टाइपिंग टेस्ट एंड द कैंडिडेट्स अवेलेबल आर अंडर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है टाइपिंग टेस्ट होने के बाद में 13,088 कैंडिडेट्स को जो है क्वालिफाइड किया गया है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 13,000 से ऊपर कैंडिडेट्स जो हैं वो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पे है जो कैटेगरी वाइज कटअप दिया गया है उसको मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ किस प्रकार से हुआ है। यहाँ पे कटअप परसेंटेज दिया हुआ है, कैंडिडेट्स अवेलेबल दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। EWS, SC, ST, ESM, OH, HH, OBC, BH सारी चीज़ दिया हुआ है, टोटल भी यहाँ दिखा हुआ है। तो परसेंटेज जो कटअप का है वो है 10-10-10 करके, और UR के लिए जो है वो 7 था। यहाँ पे अवेलेबल कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं, EWS में 2400 से ऊपर के स्टूडेंट हैं, SC में 2100 यानी कि 2100 से ऊपर के हैं, और इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं ST में जो है वो 873 है, ESM में 768 है, ये आप लोग यहाँ पे बिल्कुल चेक देख सकते हैं। और यहाँ पे साथ साथ देख सकते हैं 13,088 कैंडिडेट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब जा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ फिर और क्या है यहाँ पे, तो ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दैट शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द रेस्पेक्टिव वेबसाइट ऑफ रीजनल ऑफिसेस। द कमीशन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में विजिट ऑफिशियल वेबसाइट रीजनल ऑफिसेस द कमीशन रेगुलरली फॉर अपडेट। तो यहाँ पे जो है कहना है इनका कि जो भी कैंडिडेट्स पास हुए हैं उनको अपीयर किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उसके लिए जो है शेड्यूल आप लोगों को दे दिया जाएगा लिंक में, या तो फिर जो ऑफिस है वहाँ पर, तो आप लोगों को रेगुलर यहाँ पे विजिट करते रहना है। जो भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों को जरूर जरूर बताऊँगा, तो आप लोग चैनल के साथ में बने रहें। तो यहाँ पे उसका जो डेट आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। द एबव सेड लिस्टेड आर प्योरली प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट्स फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रेस्पेक्टिव पोस्ट इन द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो सब्मिटेड द थ्रो वेरिफिकेशन इन देयर ऑफ देयर आइडेंटिटी विथ रिफरेंस ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड राइटिंग ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म्स एडमिशन सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पे साफ साफ कहना है कि जो भी उनको जरूरत होगा वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे मांग लिया जाएगा, जो कंडीशन दिया गया था वो सब सारी चीज़ों के हिसाब से ही आप लोगों को यहाँ पे फोटोग्राफ सिग्नेचर हैंड राइटिंग सारी चीज़ें आइडेंटिटी सब चीज़ मैच किया जाएगा यहाँ पे आप लोगों को कहा गया है। और यहाँ पे है डिटेल्स ऑफ एरर परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स इन टाइपिंग टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन कमीशन वेबसाइट 9/3/2022। कैंडिडेट्स में लॉग इन बाई यूजिंग देयर रजिस्टर्ड ID पासवर्ड, दिस फैसिलिटी विल अवेलेबल फ्रॉम 9/3/2022 से 31/3/2022। तो यहाँ पे है जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट लिखे हैं वो अपने मार्क्स को देख सकते हैं, जो कि 9 मार्च को यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा, और इसको आप लोग देख सकते हैं अपना जो रजिस्टर्ड ID है और पासवर्ड है उसके थ्रू से देख सकते हैं। और यहाँ पे है 9 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक में यह सुविधा उपलब्ध रहेगी, ये कमीशन का कहना है। तो यहाँ पे आप अंडर सेक्रेटरी जो है वो भी देख सकते हैं, 28 फरवरी 2022 का डेट दिया गया है। तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स टाइपिंग टेस्ट लिखे थे वो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो पास किया गया है, जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा यहाँ पे, जिनका जिनका नाम आएगा, तो वो लोग अब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मार्क्स आप लोग लाए हैं जो भी लिखे थे वे लोग इस डेट में देख सकते हैं। तो यही एक नया और इम्पोर्टेंट नोटिस है। तो यहाँ पे अब जो कैंडिडेट्स पास किए हैं CHSL एग्जाम 2019 को, उनको अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। अगले अपडेट के लिए आप लोग चैनल के साथ जरूर से जरूर बने रहिए,
बने रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए।